ओडिशा के लांजीगढ़ में एक गर्भवती महिला को 16 किलोमीटर तक बांस पर लटकाकर हॉस्पिटल ले जाया गया। तेज बारिश और रास्ते में पानी भर जाने की वजह से एम्बुलेंस ने बीच रास्ते में महिला को छोड़ दिया था। उड़ीसा में एक प्रेग्नेंट महिला को उसके घर वालों को 16 किलोमीटर तक बांस के ऊपर एक चादर में बांधकर अस्पताल ले जाना पड़ा। महिला को पहले सरकारी एम्बुलेंस ले जा रही थी, लेकिन रास्ते में बारिश की वजह से पेड़ गिरा, जिसके कारण रास्ता बंद हो गया। महिला की हालत लगातार बिगड़ रही थी, ऐसे में उसके घर वालों ने उसे अस्पताल ले जाने के लिए बांस की मदद ली। महिला ने अस्पताल पहुंचकर एक बच्ची को जन्म दिया। हालांकि माँ और बच्ची दोनों स्वस्थ हैं, पर इससे उड़ीसा की स्वास्थ्य सेवाओं पर सवाल तो खड़ा होता है। 16 किलोमीटर तक अस्पताल का ना होना राज्य की स्वास्थ्य व्यवस्था को आईना दिखाने के लिए काफी है। Yesterday what happened due to heavy rain and cut off, there was a fall of a huge tree on the road. So the vehicle, the ambulance which we have sent it remain before the that tree. वैसे उड़ीसा में इस तरह का ये पहला मामला नहीं है। कुछ दिन पहले भी इसी गांव में एम्बुलेंस की सुविधा नहीं मिलने की वजह से एक गर्भवती महिला को घर वालों ने स्ट्रेचर से अस्पताल पहुंचाया था, लेकिन बच्चे की गर्भ में ही मौत हो गई थी। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ऑफ उड़ीसा की रिपोर्ट के मुताबिक हर 1000 में से 245 गर्भवती महिलाएँ स्वास्थ्य सेवाओं के अभाव में अपनी जान गंवा देती हैं। आरुषि पुंडीन, गो न्यूज़।